ऐसा शहनशाह जिसने ताजमहल बनवाकर पूरी दुनिया में एक बेइंतहा मोहब्बत की निशानी दी। ताजमहल को जो भी देखता है बस देखता ही रहता है। देश विदेश से भी लोग इस बेशकीमती इमारत का दीदार करने के लिए आते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। इस महान इमारत को देखने के बाद हर कोई इसकी महान कलाकारी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मलिका की याद में इस इमारत को तामीर करवाया गया है उसी मुमताज महल की जिंदगी कैसी थी? क्या मुमताज महल को शहनशाह से वैसी ही पाक मोहब्बत मिली जैसी पाकीज़ा पवित्रता के साथ आज ताजमहल को एक मोहब्बत की निशानी के तौर पर देखते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ताजमहल के सफेद संगमरमर से भी ज्यादा खूबसूरत मुमताज महल की मोहब्बत की दास्तां। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये बात शुरू होती है नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर से, जो मुगल वंश का चौथा बादशाह बना और हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। आशिक मिजाज जहांगीर की 20वीं पत्नी बेगम नूर जहां थी। ईरानी परिवार में जन्म लेने वाली नूर जहां के बारे में कहा जाता है कि उसने 16 वर्षों तक पर्दे के पीछे से मुगल सल्तनत को चलाया था। मुगल दरबार में नूर जहां का रुतबा दिन ब दिन बढ़ रहा था, जिसके बाद जहांगीर ने नूर जहां के पिता एतमादुल्ला को मुगल सल्तनत का वजीर बना दिया। एतमादुल्ला के बेटे अबूर हसन असाफ खां के घर 27 अप्रैल 1593 को एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम अर्जुमंद रखा गया। अगर देखा जाए तो अर्जुमंद नूर जहां की भतीजी हुई। कहा जाता है कि अर्जुमंद एक बार आगरा के मीना बाजार में घूमने निकली। यहीं पर पहली बार साबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम ने उनको पहली बार देखा था और देखते ही दिल हार बैठे। खुर्रम और अर्जुमंद की 16 अप्रैल 1607 में सगाई पक्की कर दी गई। उस वक्त अर्जुमंद 15 वर्ष की थी और खुर्रम 16 वर्ष के हो चुके थे। करीब 5 साल बाद 16 मई 1612 को जब खुर्रम 20 के हुए तो दोनों का निकाह करा दिया गया। समय बीतता गया और जहांगीर के बाद खुर्रम ने मुगल तख्त की कमान संभाल ली। बादशाह बनने के बाद खुर्रम शाहजहां बन गए और उनकी सबसे प्यारी बेगम अर्जुमंद को मुमताज महल का खिताब दिया गया। शाहजहां और मुमताज को कुल 14 बच्चे हुए। मुगल इतिहास के दो सबसे चर्चित किरदार दारा शिकोह और औरंगजेब थे। औरंगजेब भी मुमताज महल की ही संतान थे। दारा शिकोह मुमताज महल की तीसरी संतान थे। दारा शिकोह को न सिर्फ कुरान कंठस्थ थी बल्कि उसने कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद उर्दू और फारसी में भी करवाया। मुगल इतिहास का दूसरा अहम किरदार औरंगजेब मुमताज महल की छठी संतान था। बाद में दारा शिकोह औरंगजेब की दुश्मनी हुई और औरंगजेब ने मुगल तख्त संभालने के बाद दारा शिकोह को मौत के घाट उतार दिया। इतिहासकार बताते हैं कि शादी के बाद मुमताज महल 38 वर्ष की उम्र तक हर साल गर्भवती रही और उनकी मौत भी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त हुई। शाहजहांनामा में मुमताज महल के बच्चे के बारे में विस्तार से जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक मुमताज महल ने सबसे पहले 1613 में एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम शहजादी तुरालानिसा रखा गया। इसके बाद अप्रैल 1614 में दोबारा मां बनी। इस बार उन्होंने जहां आरा को जन्म दिया जो बाद में मुगल सियासत का बेहद अहम किरदार बनी। मार्च 1615 में मुमताज महल ने पहले बेटे दारा शिकोह को जन्म दिया। इसके बाद अगले वर्ष जुलाई 1616 में शाहजहां का जन्म हुआ। सितंबर 1617 में शहजादी रोशन आरा का जन्म हुआ और इसके बाद नवंबर 1618 में मुमताज महल के गर्भ से पैदा हुआ औरंगजेब, जो बाद में बेहद सफल शासक तो बना लेकिन उसकी क्रूरता के किस्से आज तक भी हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज है। इस तरह मुमताज महल ने 1613 से लेकर 1631 तक करीब करीब हर साल एक बच्चे को जन्म दिया। मुमताज महल के कई बच्चों की मौत भी हुई। उनकी पहली बेटी 3 साल की उम्र में चल बसी और उम्मेद बख्श भी 3 वर्ष की आयु में मर गया था। सुरैया बानो का 7 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। लुत्फ अल्लाह भी 2 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारा हो गया। दौलत अफजा की मौत 1 साल की उम्र में हुई और हुस्न आरा 1 साल की होने से पहले ही मर गई। इस तरह मुमताज महल के 14 बच्चों में से 6 की मौत हो गई। मरने से पहले मुमताज महल ने जिस संतान को जन्म दिया उसका नाम कोहर आरा रखा गया, जिसकी जिंदगी काफी लंबी रही। 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज महल को मालूम था कि अब उनका बचना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने शाहजहां को पास बुलाकर कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है
अगर हो सके तो उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा। बादशाह ने कसम खाते हुए कहा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। मुमताज ने कहा, मेरे मरने के बाद एक ऐसा मकबरा बनवाइए जो आज तक इस दुनिया में कहीं भी नहीं बनवाया गया। मुमताज महल की इसी ख्वाहिश ने ताजमहल की नींव रखवाई। मुमताज महल की मौत के गम में शाहजहां ने पूरी सल्तनत में शोक का ऐलान कर दिया। मुगल बादशाह ने पूरे 2 साल तक मुमताज महल की मौत का शोक मनाया। कहा जाता है कि मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां ने संगीत सुनना छोड़ दिया और वे सफेद कपड़े पहनने लगे। लगातार रोने की वजह से उनकी आंखें कमजोर हो गई और गम के कारण शाहजहां के सारे बाल तेजी से सफेद होने लगे। इतिहासकार का मानना है कि शाहजहां ने मुमताज महल की मौत वाले साल सन 1631 में ही ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा होने में 22 वर्ष लगे। इसे बनाने के लिए शाहजहां ने यमुना किनारे उसी जगह को चुना जहां पर अक्सर मुमताज महल घूमने जाया करती थी। लगभग 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया, तब कहीं जाकर 1653 में निर्माण कार्य पूरा हुआ। शाहजहां ने मुमताज महल के साथ निकाह से पहले और निकाह के बाद भी कई और शादियां की। शाहजहां की उनकी बीवियों के अलावा उनके हरम के भी खूब चर्चे मिलते हैं, जिसमें हजारों औरतों को रखा गया था। इतिहासकारों की माने तो शाहजहां के समय हरम के अंदर 8,000 से भी ज्यादा रखेली थी, जो कि किसी भी मुगल बादशाह के समय में सबसे ज्यादा संख्या रही थी। ये बात सच है कि शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ही ताजमहल को बनवाया था, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। ऐसे में क्या ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहना जायज है? बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि उस जमाने में कई शादियों का चलन था और राजा महाराजा हरम में रखेले रखा करते थे, लेकिन इतनी पत्नियां होने के बाद भी शाहजहां मोहब्बत तो मुमताज से ही करते थे। मगर यहां पर एक दूसरा पहलू ये भी है, नूरजहां के साथ जहांगीर ने 20वीं शादी की थी, लेकिन उसने नूरजहां से शादी के बाद एक भी निकाह नहीं किया। जहांगीर का ही उदाहरण अगर उनके बेटे शाहजहां पर लागू किया जाए तो अगर वो मुमताज से बेइंतहा मोहब्बत करता था तो उसने मुमताज की मौत के बाद एक और शादी क्यों की? इतना ही नहीं, मुमताज महल से पहली नजर का प्यार होने के बाद भी शाहजहां ने पहले मुमताज महल से शादी नहीं की थी, बल्कि उसकी पहली शादी पारस की शहजादी कुंदरिया बेगम से हुई। वैसे तो शाहजहां और मुमताज महल के बीच पाकीजा मोहब्बत के दावों पर सवाल खड़े होते हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं कि ताजमहल को एक पवित्र मोहब्बत की निशानी माना जाए या फिर एक खूबसूरत इमारत? इस पर आप अपनी राय जरूर दें। बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही दास्तां के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।